नमस्कार, डे एंड नाइट न्यूज के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका गुलाटी और खबरों की शुरुआत करते हैं अहम खबरों से। दिल्ली चुनावों में मतदान करीब आते ही घमासान तेज हो गया है। भाजपा ने अब तक तमाम योद्धाओं को प्रचार के मैदान में उतारा, लेकिन अब खुद मैदान में आ रहे हैं भाजपा के चुनाव प्रचार के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी। मोदी दिल्ली में 4 रैलियां करेंगे, जिसमें से आज दिल्ली के कड़कड़डूमा में रैली को संबोधित करेंगे। मोदी की इन रैलियों से भाजपा को यकीन है कि आखिरी दांव दिल्ली में उनकी किस्मत पलट देगा। दिल्ली में 7 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस, भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी ने दूसरे राज्यों से अपने विधायकों को बुलाकर चुनाव प्रचार करवाना शुरू कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू, किरण चौधरी और भगवंत मान सभी दिल्ली के दंगल में कूद पड़े हैं और एक दूसरे के खिलाफ जम के बयानबाजी कर रहे हैं। सितारों से कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा मित्रों। अरे फोन नीचे कर। 7 साल कांग्रेस और 6 महीने मोदी साहब के तराजू में तोल लो। दिल की गहराइयों से आवाज निकलेगी, चंपा के 10 फूल, चमेली की 1 कली, मूरख की 7.5 चतुर्थी, 1 खड़ी चतुर्थी। कांग्रेस वालों ने किया गया है दिल्ली का। सड़कें देखो, ये नहीं पता लगता सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। कोई अपनी लुगाई को लेकर जा रहा है, आगे भी पीछे ही देखता रहता, रह गई कि ढह गई। मैं कोई झूठ बोले, पानी टैंकरों में आता है, विकास ठप है। और ये केजरी भाई, ये तो नौटंकी कंपनी है, नौटंकी कंपनी। हमें सोचना होगा कि समय आ गया है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आगे लेकर आया जाए। अगर साफ सुथरे लोग, पढ़े लिखे लोग आगे आएंगे तो ही दिल्ली का विकास हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि कौन से दल से विधायक यहाँ पे ताल्लुक रखता हो, जरूरी ये है कि जिसको मालूम है, जिसकी पढ़त लिखत अच्छी है, जो काम करने का जिसका अंदाजा है और जिसकी पहुंच आगे तक है, वो ही आप लोगों के काम करके आपको आगे लेकर जा सकता है। इतिहास लिखने का टाइम आ गया है। जिस दिन वोट डालने जाओगे 7 तारीख को, मेरी एक बात याद रख लेना, जो मर्जी बटन दबा देना, जिस मर्जी को वोट दे देना। बात यह है कि वो बटन ना तो किसी हाथ पंजे का है, वो बटन ना किसी कमल के फूल का है, वो बटन ना किसी तीर कमान का साइकिल का है, वो बटन ना किसी झाड़ू का है। असल में वो बटन आपके बच्चों की और आपकी तकदीर का बटन है। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। जयंती नटराजन ने चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के दफ्तर पर गलत प्रचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर कामकाज में दखल देने और पर्यावरणीय मंजूरी के संबंध में विशेष अनुरोध करने का आरोप लगाया है। जयंती ने कहा कि उन्हें कई बड़े प्रोजेक्ट राहुल गांधी के कहने पर रोकने पड़े। यूपीए सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे जयंती नटराजन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जाते जाते जयंती नटराजन वो कर गईं जिसकी उम्मीद कभी नहीं की गई। जयंती ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तीखे प्रहार करते हुए उन पर परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी दिए जाने के खास अनुरोध भेजने के आरोप लगाए हैं। जयंती नटराजन ने राहुल गांधी के दफ्तर पर गलत प्रचार करने का आरोप लगाया है और कहा है कि लगातार उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई। जयंती नटराजन ने आरोप लगाया है कि जब वो पर्यावरण मंत्री थी
तब राहुल ने उनसे कई प्रोजेक्ट्स की पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी रोकने को कहा था। जयंती नटराजन ने कहा है कि राहुल की ओर से ये तो अनुरोध बताए जाते थे, लेकिन ये उनके लिए आदेश के बराबर होता था। टू माई पार्टी एंड माई लीडरशिप फॉर वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज वेर गिवन टू मी टू सर्व द नेशन एंड टू सर्व द पार्टी एंड आई कंटिन्यू टू मेंटेन दैट आई सर्व द नेशन एंड द पार्टी विद ट्रेमेंडस डेडिकेशन टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी बट टूडे द पार्टी एंड द वैल्यूज विच आई ज्वाइंट इट इज नो लॉन्गर द सेम पार्टी दैट आई बिलीव्ड इन एंड दैट आई ज्वाइंट वेदांता The Niyamgiri project, which Sri Rahul Gandhi himself said that to the tribals that he will be their sipahi, it was later upheld in the Supreme Court also. I followed my due diligence. The Nirma project, where the cement plant was being sought to be built on a water body, again upheld by the Supreme Court. And there were many projects, the Adani project, where I received specific input from NGOs who had represented to Shri Rahul Gandhi. November 2014 में जयंती नटराजन ने सोनिया गांधी को ये चिट्ठी लिखी थी। जयंती नटराजन की इस चिट्ठी का निचोड़ निकाला जाए तो ये बात सामने आती है कि राहुल गांधी UPA 2 के वक्त सरकार के फैसलों में दखल देते थे। First of all, it is absolutely wrong that Either Mrs. Sonia Gandhi or Mr. Rahul Gandhi ever interfered in the functioning of the UPA government. The ministers were free to take decisions. The allegation made by Mr. Narendra Modi was something called Jayanti tax or Natarajan tax. Now she has to reply and make it clear whether Mr. Narendra Modi's allegation was correct or not. One thing I know that Mr. Rahul Gandhi would be the last person to interfere in the functioning of any ministry. If he wanted to, he would have become a prime minister or a minister himself. So therefore, I think this kind of an allegation by someone who got everything what she had got in her life till now from the Congress party, this kind of an allegation is really uncalled for. Congress लगातार इन आरोपों को नकारती रही है कि राहुल का सरकार की नीतियों में दखल था। ये तमाम बातें नवंबर 2014 की उस चिट्ठी में आई हैं जो जयंती नटराजन ने सोनिया गांधी को लिखी थी। I have written in this letter, which I have written to the party president, Madam Sonia Gandhi, that I was a member of parliament and I was made minister of environment. And when I was made minister of environment, the party line was very clear that the policy of Srimati Indira Gandhi, that the policy of Sri Rajiv Gandhi to preserve the environment, it must be protected at all costs. And therefore, it was my duty to make sure that every single step I took, no matter how popular or unpopular, should be strictly according to law, according to rules, and preserve the environment at all costs, despite any interest to the contrary. मेरे सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी के दफ्तर से कुछ लोग मीडिया को फोन करके कह रहे थे कि मुझे पार्टी के काम के लिए नहीं हटाया गया है। उसके बाद मीडिया में मेरे खिलाफ खबरों की बाढ़ आ गई। मुझे राहुल गांधी और उनके दफ्तर से खास निर्देश होते थे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पर्यावरण को लेकर चिंताएं जाहिर की जाती थी। मैंने उन अनुरोधों का पालन किया। जयंती नटराजन ने यह भी आरोप लगाया है कि उन पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कैबिनेट मंत्रियों की ओर से भी कई प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण के मंजूरी देने के दबाव थे, लेकिन वो दबाव में नहीं आई। माय कॉलीग्स इन कैबिनेट ड्यू टू द पार्टी लाइन एंड अराउंड द 20th ऑफ दिसंबर द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी दैट ही वांट्स टू सी मी। व्हेन आई वेंट टू मीट हिम ही लुक्ड वेरी अपसेट। Prime Minister looked very tense, very grim. He got up and he said that
you have been, madam has said, Mrs. Gandhi has said that you are required for party work. So I said, sir, what do you want me to do? And he said, well, she wants you to resign. So I said, yes, sir, I'll do that. And within half an hour, I gave my resignation. I immediately asked for an appointment with Congress president, but I was told she'll speak to me on the phone. I spoke to her on the phone and she said, yes, you are required for party work. Please follow Prime Minister's instructions. जयंती नटराजन के इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार के मंत्री कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने में लगे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि पर्यावरण मंत्रालय को पर्यावरण मंजूरियों की जांच करनी चाहिए। जयंती ने चिट्ठी में एक गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि एक व्यक्ति ने उनके खिलाफ मीडिया में गलत और प्रायोजित प्रचार किया। यहाँ आपको बताते चले कि जयंती नटराजन को दिसंबर 2013 में यूपीए सरकार से हटाकर कांग्रेस पार्टी के संगठन में लाया गया था और तब ये प्रचार किया गया था कि जयंती के कारण कई पर्यावरण प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं क्योंकि वे इन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी नहीं देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ चिरगांव ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने गुरुवार को महज 4 घंटे में नसबंदी के 73 ऑपरेशन कर दिए गए। परिवार कल्याण योजना के तहत कराए गए ऑपरेशनों में तय मानकों का भी ध्यान नहीं रखा गया। अगर ऑपरेशन में लगे समय को जोड़ें तो एक महिला के ऑपरेशन में सिर्फ 3.25 मिनट लगे। हैरत की बात यह है कि बदहाली के बीच नसबंदी कराने आई महिलाओं को बेड तक नसीब नहीं हुए। उन्हें खुले आसमान के नीचे जमीन पर चादर दरी बिछाकर लिटा दिया गया। यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश सरकार की बदहाल व्यवस्था को दिखाता है। चार पांच लोगों का बेड है लेकिन तत्काल इतने मरीज जो मोटिवेटर में अपने से आ गई हैं, हम लोगों ने उन्हें वापस नहीं किया और तत्काल यहाँ व्यवस्था किया गया, गद्दे की, दरी की, सब चीज का व्यवस्था किया गया और हम लोगों ने उनको अच्छा से केस करवाया है। आए तो 75-76 थे लेकिन हुआ 73 रोगों का तत्काल में हुआ। ना ही टारगेट की बात नहीं थी, वो मरीज इतना आई गए क्योंकि पल्स पोलियो था इसलिए मरीज आ गए। मॉर्चरी हाउस पहले था, अब अस्पताल में होता है, लेकिन किसी मॉर्चरी हाउस में कभी भी कंकाल नहीं मिलते, कंकाल रखे नहीं जाते। ये कितने तर्क कर रहे हैं। मैंने भी पढ़ा इसी विज्ञान को और 100 से अधिक पोस्टमार्टम के समय मैं भी मौजूद रहा हूँ और कल मैं जयपुर में था बाजार में, वहीं से मैंने जानकारी करी जो इस विषय के आजकल के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी कहा कि ये सब चीजें जो बोली जा रही है झूठ बोली जा रही है। सरकार इसमें कटघरे में है, सरकार या तो सच उगले, अधिकारियों को बचाने के लिए अगर अपने पर उड़ना चाहती तो उड़े, जनता इसका फैसला जरूर करेगी। वीरवार को शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर युवा कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए हिंसात्मक झड़प के खिलाफ विरोध की गूंज पूरे हिमाचल में उठने लगी है। शिमला में हुई झड़प के बाद चंबा में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और शिमला में भाजपा मुख्यालय पर हुई कार्रवाई का विरोध किया। उधर वीरवार को शिमला में युवा कांग्रेस और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के लिए प्रदेश भर में दोनों संगठनों के कार्यकर्ता बयानबाजी कर एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नाहन में जिला NSUI की एक बैठक संपन्न हुई। NSUI का कहना है कि भाजयुमो ने सोची समझी साजिश के तहत युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। वहीं कांग्रेस व भाजयुमो के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के विरोध में शुक्रवार को भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राज्यपाल से मांग की कि इस घटना की न्यायिक जांच करवाई जाए और अपने कर्तव्य में विफल रहने के लिए इस जन विरोधी व अलोकतांत्रिक सरकार को तुरंत बर्खास्त करें। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए धूमल ने कहा कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर हमला करके प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर कड़ा आघात किया है।
उधर भाजपा कार्यालय के बाहर वीरवार को युवा कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसा की राज्यपाल कल्याण सिंह की ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने बताया कि यह घटना बेहद निंदनीय है, इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ता माननीय प्रेम कुमार जी धूमल के नेतृत्व में मुझसे मिले और ज्ञापन भी दिया है। जो कुछ भी कथा व्यथा उन्होंने सुनाई है उससे मुझे बहुत पीड़ा हुई है और मैं देखूंगा कि इसमें मैं अपने स्तर से क्या कर सकता हूँ। जो कुछ कर सकता हूँ मैं जरूर करूँगा। ऐसा वाक्य नहीं होना चाहिए। अटैक करना या किसी के दफ्तर में जा करके तोड़फोड़ करना, ये कानून व्यवस्था का तो बड़ा ज्वलंत सवाल पैदा हो जाता है इससे। कहते हैं शौक का कोई मूल्य नहीं होता। लोग अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कई महंगे जतन करने लगे हैं। ऐसी ही एक शादी जलंधर में हुई जहां दूल्हा ब्याह रचाने हेलीकॉप्टर में सवार होकर पहुंचा और शादी की रस्मों के बाद उसी हेलीकॉप्टर में दुल्हन की डोली भी निकाली गई। इस अनूठी शादी और हेलीकॉप्टर में डोली को देख लोग चकित रह गए। आजकल लोग शौक पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते, ये साबित हुआ है जलंधर में हुई एक हाई प्रोफाइल शादी से, जहां शादी करवाने के लिए एक दूल्हा हेलीकॉप्टर में पहुंचा। मूल रूप से जलंधर के गांव बुझै खुर्द कर रहने वाला रणधीर सिंह और उसका परिवार अमेरिका में सेटल है। इकलौता बेटा होने के कारण रणधीर सिंह के पिता जसवंत सिंह का सपना था कि उनके बेटे की शादी धूमधाम के साथ ही कुछ अलग तरीके से करें। इसलिए उन्होंने बेटे की जिंदगी के सबसे खास लम्हे को यादगार बनाने के लिए हेलीकॉप्टर में बेटे की बारात ले जाने का फैसला किया। आपको बता दें इस महंगी बारात के लिए हेलीकॉप्टर का 9 लाख रुपए किराया चुकाया गया है। दुल्हन किरणप्रीत कौर का परिवार भी जलंधर के नजदीक ही नूरमहल के गांव रामपुर का रहने वाला है। शादी की रस्में हेलीपैड के नजदीक एक मैरिज पैलेस में अदा की गई। इस शादी के लिए 1000 से भी ज्यादा लोगों को आमंत्रित किया गया था। शादी की रस्मों के बाद दोनों कार में हेलीपैड तक पहुंचे। दुल्हन किरणप्रीत कौर का कहना था कि हर लड़की का सपना होता है कि उसके सपनों का राजकुमार उड़न खटोले में उसे लेकर जाए। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश नसीब हैं कि उनकी डोली हेलीकॉप्टर में जा रही है। वहीं दूल्हे रणधीर सिंह ने इस सरप्राइज के लिए अपने पिता को धन्यवाद दिया। नहीं सोचा तो नहीं था कभी ऐसा होगा, कोई कुछ कोई भी नहीं ऐसा करता तो जी अच्छी बात है। कैसे फील हो रहा है कि हेलीकॉप्टर में डोली जा रही है? अच्छा फील हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो मेरे फादर साहब ने मुझे गिफ्ट किया है मुझे मालूम नहीं था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रणधीर सिंह के पिता जसवंत सिंह ने बताया कि रणधीर सिंह की बारात के लिए लवली यूनिवर्सिटी के करीब हेलीपैड बनाया गया था। हेलीकॉप्टर में डोली ले जाने के लिए बकायदा प्रशासन से अनुमति ली गई थी। जसवंत सिंह के अनुसार इकलौते बेटे की शादी को यादगार बनाने के लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर को किराए पर लिया था। इसमें करीब 9 लाख रुपए का खर्चा आया है। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने अपने बेटे को शादी के अवसर पर एक खास गिफ्ट दिया। 6 महीने से पहले मैंने सोचा था भी मैं अपने बेटे को गिफ्ट दूंगा, भी ये अपनी एक लाइफ के लिए याद रखेगा भी मेरे फादर ने मेरे लिए ये कुछ किया है। सर कितना खर्चा हो गया है? कम से कम टोटल 9 लाख आ जाएगा। सूरज ढलने से ठीक पहले यह हेलीकॉप्टर दूल्हा दुल्हन और कुछ करीबी रिश्तेदार को लेकर गांव बुझा खुर्द के लिए रवाना हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, DN Night न्यूज। 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कर लिया गया है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के बाद भारत ऐसा 5वां देश है जिसने इस तरह की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली भारत की सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइल अग्नि 5 का फिर कामयाब टेस्ट किया गया। ओडिशा के नजदीक व्हीलर द्वीप से अग्नि मिसाइल छोड़ा गया। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से सुरक्षा बलों को और मजबूती मिलेगी। 1.5 टन का हथियार ढोने की क्षमता वाली इस मिसाइल को DRDO ने विकसित किया है। इस मिसाइल का पहला कामयाब टेस्ट 19 अप्रैल 2012 को हुआ था। अग्नि 5 के साथ भारत दुनिया के चुनिंदा 6 देशों में शामिल हो गया है जिसके पास 5000 से ज्यादा दूर तक मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को इसी साल सेना को सौंपने की योजना है। मिसाइल की जद में पूरे चीन से लेकर यूरोप तक के कई देश शामिल हैं।
अग्नि 5,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली मिसाइल है। इस लिहाजे से यह भारत की अब तक की सबसे अधिक मारक दूरी वाली मिसाइल होगी। अग्नि 5 तीन चरणों और ठोस ईंधन वाली 17 मीटर लंबी मिसाइल है। अग्नि 5 20 मिनट में 5,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यह 1.5 मीटर यानी कार जैसे छोटे टारगेट पर भी निशाना लगा सकती है। अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से इस मिसाइल को कहीं भी बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसे सड़क से भी लॉन्च किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। हिंदी समाचारों में अब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।